नेपाल की साल 2023 में मुस्लिम आबादी कितनी बड़ी है? दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नेपाल दुनिया के सबसे बड़े दो देशों के बीच यानी भारत और चीन के बीच बसा हुआ एक छोटा सा देश है। यह देश अपने ऊंचे पर्वत और प्राचीन संस्कृति के लिए काफ़ी मशहूर है, जहां पर नेपाल में दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट मौजूद है। इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है। इसके अलावा विश्व के सबसे बड़े 10 ऊंचे पर्वतों में से 8 पर्वत इस नेपाल देश में ही मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से कई सारे लोग नेपाल देश चले आते हैं। और तो और, सबसे बड़ी बात, भारत के लोग बिना वीज़ा के नेपाल जा सकते हैं और भारतीय करेंसी नेपाल के मार्केट में आसानी से चलती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नेपाल की अधिकतर सीमा अपने भारत देश से मिलती है और अपने भारत देश और नेपाल के बीच काफ़ी बड़े पैमाने पर व्यापार भी होता है। दोस्तों, नेपाल पहाड़ों का देश होने के कारण यहाँ की प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप अधिकतर होते रहते हैं। जब भी नेपाल में भूकंप के कारण जनधन की हानि होती है तो अपना भारत देश नेपाल की पूरी तरीके से मदद करता है। भारत और नेपाल के संबंध काफी पुराने और अच्छे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल पर किसी भी देश ने अब तक राज नहीं किया है और यह देश अपना कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। नेपाल विश्व का एकमात्र और अंतिम हिंदू राष्ट्र है। हालांकि साल 2006 में नेपाल की संसद ने इसे धर्मनिरपेक्ष देश बताया, जहां सबसे अधिक हिंदू लोग रहते हैं। यहां गाय को पवित्र माना जाता है और उसकी हत्या करना गैर कानूनी भी माना जाता है। गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 95 स्थान पर आता है। दोस्तों, इस देश में हिंदू जनसंख्या काफी अधिक है और इस देश की राजधानी काठमांडू है, जहां पर आपको बता दें कि मौजूदा समय में नेपाल की कुछ वेबसाइट के मुताबिक कुल जनसंख्या 3,30,05,000 इतनी है, जो विश्व जनसंख्या के मामले में 40वें स्थान पर आता है। तो वहीं पर आज हम आपको इस वीडियो में साल 2023 में बढ़ते नेपाल की मुस्लिम आबादी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, विश्व में कौन सा धर्म तेजी से बढ़ रहा है? आप हमें अपनी कीमती राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मौजूदा समय में नेपाल में कुल मुस्लिम आबादी 14,83,200 इतनी है, जो नेपाल का 5.9% आता है। इसके अलावा नेपाल में सर्वाधिक जनसंख्या हिंदुओं की है, जिसमें हिंदू जनसंख्या 2,40,20,000 इतनी है, जो नेपाल का 81.19% आता है। तो वही पर दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नेपाल में नंबर दो के स्थान पर बौद्ध धर्म आता है, जहाँ पर बौद्ध धर्म को मारने वाले लोगों की आबादी 30,94,800 इतनी है, जो नेपाल का 8.2% आता है। तो वहीं पर दोस्तों, ईसाई धर्म को मारने वाले लोगों की कुल आबादी 3,75,600 इतनी है, जो नेपाल का 1.41% आता है। तो वहीं पर अन्य धर्मों को मारने वाले लोगों की जनसंख्या 1% है। तो यहाँ पर दोस्तों, साल 2011 में नेपाल में मुस्लिम जनसंख्या 11,64,500 इतनी थी, जो नेपाल का 4.2% आता था। तो वहीं पर यह आबादी बढ़कर साल 2023 में 14,83,200 इतनी हो चुकी है, जो नेपाल का 5.9% है। तो यहाँ पर दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में कुछ वेबसाइट के मुताबिक नेपाल की बढ़ती मुस्लिम आबादी के बारे में बताया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, नेपाल की बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर आपकी महत्वपूर्ण राय हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में।